Belli, bol bello, ciacca, eh. Ora c'è Ran. C'era in Matra. गुड मॉर्निंग एवरी वन, क्या हाल है आपके? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, मैं किंडजाणी में, यानी कि आशुतोष के गांव में था, और वहाँ पे मैंने उसके पास बाइक सौंपी और फिर मैं निकला अपने घर की तरफ। और आज मैं घर में ब्लॉग बना रहा हूँ। और ब्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये 1.5 किलोमीटर नीचे हमारा गाँव है और मैं जा रहा हूँ 1.5 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर ऊपर चंदौड़ी स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम चंदौड़ी में, जहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत मैच हो रहे हैं। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आजकल, क्योंकि मैं लगा हुआ था गोबर पे, तभी हल लगाने पे, और आज मुझे समय मिल रहा है तो मैंने कहा मैं भी निकल जाता हूँ। और मेरे साथ है साथी मेरा, क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ ने तो खाना खुना भी खा लिया है, आजकल ऐसा ही होता है, सुबह को ही खाना खा के चल रहे हैं सब लौंडे, और ताकि मैच भी देख सके और मैच का आनंद उठा सके, है ना? यही हो रहा सबास, ठीक है ना? वाह वाह, सब दगड़े। और ये जो लोग आ रहे हैं अभी जंगल से, ये देखो हरी पत्ती, इनकी हरा घास लेके आ रहे हैं। अब सीला एक ही बस पेटी है, शाबास। ओह, तो जब भी ये कमेंट्री सुनाई देती है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही फील होता है। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, सेवन प्रणाम, मेरा नाम अनूप सेमवाल, आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, करें शुरुआत। ओके, अभी हम दोनों 1.5 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं, आधा किलोमीटर का सफ़र और है। और देखो क्रेज ऐसा होता है कि भाई खेलना है, जाना है देखने के लिए भी केवल, तो सभी लोग आ जाते हैं। अभी तो ग्राउंड में पहुँचे नहीं, जब मैं ग्राउंड में पहुँचूँगा तो आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊँगा, फिर खूबसूरत पहाड़ी क्रिकेट ग्राउंड का खूबसूरत क्रिकेट मैच भी दिखाऊँगा। तो कमेंट्री में तो सुनाई दे रहा है कि पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब 12 ओवर का मैच है, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन भी ठीक ठाक बने हुए हैं। मतलब जो बैटिंग कर रही है इस समय जो टीम, तो वो बहुत अच्छा खेल रही है। कितनी आफत आई अभी तक? बहुत ज़्यादा। ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते है ना, 79 रन। ओ भाई, देखते हैं दिव्यांशु और सोहन किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। जिस हिसाब से शुरुआत हुई है अभी तक, उस हिसाब से तो कम से कम 160+ होना चाहिए। पहले से आप पढ़नी भाई, मैं ग्राउंड में पहुंच चुका हूं। अब पता यहां पे एक दोस्त मिला है मेरे को, ये मुंबई से आ रखा है, अब मुंबई से केवल यहां मैच देखने आ रखा है। और कोई काम धाम है क्या? कुछ काम नहीं भाई, काम भी थोड़ा बहुत, लेकिन मुंबई का जो मैच मैच चल रहे हैं, मैंने सुना कि मैच चल रहा है। फर्स्ट टाइम इस ग्राउंड में आ रखा हूं चंदौड़ी त्रिगुनार में, तो अनु भाई से काफी टाइम से मिला नहीं था। इसका नाम है उमेश और इंटरनेशनल ग्राउंड में इसने बहुत मैच देखे हैं लाइव जाके। आज इसने सोचा कि लाइव जाके मैं पहाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के मजे लेता हूं। बिल्कुल सही बात है, यहां मैदान में पहली बार आया हूं, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है देखने में। खुला मैदान है, सामने पहाड़ी है और सामने केदार घाटी के जो दिख रहे ना, हां कुछ आनंद नहीं आ रहा है मतलब। अभी मैच चल रहा है बहुत धुआंधार, खुमेरा और त्रिगुनार के बीच। त्रिगुनार की एक टीम है नारायण धाम से, और 100 से ऊपर हो गया है, देखते हैं क्या क्या होता है मैच में आगे, देखते रहो। आउट। ए लकी भाई, अरे लकी भाई कैमरे में हाथ लाओ, अरे लकी भाई, लकी भाई। ड्रेसिंग रूम में सारे खिलाड़ी तैयार हैं। ये लास्ट ओवर है फर्स्ट इनिंग का, और देखते हैं क्या असर होता है। पहली बॉल तो सही गई है बाउंड्री लाइन के उधर की साइड, मुझे लग रहा है 4 रन है पहला बॉल, 4 रन, ठीक है बहुत बढ़िया, 139 रन। दूसरी गेंद लास्ट ओवर पैड लाइन पे गेंद, तीसरी बॉल लास्ट ओवर, बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन कहाँ गई गेंद? अरे वाह, 4 रन तो जाएगा यार।
सुमित भाई और जयदीप भाई हैं ओपनिंग के लिए खुमेरा टीम से, ठीक है। और इनके लिए टारगेट है 149 रन ना लगभग, तो ठीक है डट के खेलना है ना। ऑल द बेस्ट, हाँ ऑल द बेस्ट बोल जाता कभी कभार, ठीक है ठीक है। चले ग्राउंड की तरफ, खुमेरा और नारायण स्पोर्ट्स त्रिविनारायण के बीच ये वाला मैच जीता है नारायण स्पोर्ट्स क्लब त्रिविनारायण, और अब हमारा मैच है इसके बाद। मैं भी अचानक आया था, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को भी मैच खेलने को मिल जाएगा, तो ऐसे ही होता ग्राउंड में आ गए तो फिर खेलने के लिए मिल ही जाता है। और हमारी टीम में भाई साहब भी हैं, स्वागत है आपका। अभी हल लगा के आ रहे दोनों भाई और इसके बाद फिर हल लगाने जाएंगे। ऐसे हो रहा आजकल, काम धंधे भी बहुत ज़्यादा हैं, काम भी निपटाना है, खेल भी खेलना है, सब कुछ जरूरी है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हमारा टॉस होगा उसके बाद बताऊंगा बैटिंग या फील्डिंग। तो क्रिकेट ग्राउंड कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ से खूबसूरत केदार डोम दिख रहा है, इधर से आपको चौखंबा पर्वत दिख रहा है साफ साफ। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है क्रिकेट ग्राउंड का, और नीचे दर्शक हैं, इधर से लेकर इधर तक दर्शक हैं। इधर पे एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे सभी लोगों के लिए भोजन प्रबंध किया जाता है। हमारी फील्डिंग आई है टॉस जीतने के बाद, और यहाँ पे ये कहा जाता है वैसे कि बैटिंग पिच है, देखी जाएगी बॉलिंग कैसी होती है, बैटिंग कैसी होती है, बाकी जितना भी होगा स्कोर वगैरह इसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। चलो बाय बाय। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक इनाम आया है, अगर आप इसके बाद कोई भी छक्का लगाते हैं तो आपको 50 रुपए का नगद इनाम बिना प्रमुख की तरफ से। अगर आप 50 रन बनाते हैं तो 50 रुपए का नगद पुरस्कार, अगर आप एक छक्का लगाते हैं तो उससे भी 50 रुपए का नगद पुरस्कार। तो अनुपस्थ मालक जरूर ये इनाम देना चाहेंगे। 80 रन चढ़ा भी लो पता चल नहीं जाके मर लिया नहीं दियो वाह लॉक के करने का जरूर प्रयास है, इस स्टंप के आगे आगे करने का प्रयास है। कहना है टीम के संकट मोचन और भूपेंद्र सिंह से हमारा काके जी का तो तेरा का थोड़ा आते है लंबा प्रहार क्या का पहुंच रहा है किसी के पार शरण हो गए आते ही शरण ये अलग है यार के अलग है 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 चार रन गड़ी मस्त 6 रन मात्र 6 रन चढ़ा खाली 4 रन यो रन चढ़ी कि दुई अबे ते में जुए क्या करा था वो माली रहा 15 ही गजब और 6 रन काफी लंबा चक्का लगता हुआ, अरे लगे नहीं से बहुत तेज की काफी लंबा चक्का लगता हुआ स्ट्राइक डालते हुआ, ठीक है कुछ हो सकता है मैच में कुछ आ सकता है हाँ। 6 का दर्जन है
खत्म हो रहे मैच मैच खत्म और ये दंदन आता हुआ और ये छह रन अच्छी शॉट थी तीन बॉल 20 रन अगर एक नो बॉल आई या तो व्हाइट आ गया तो जीत आई बस ए यो दिन व्हाइट आई चल मुको बेटा धक धक कौन छ करा पवनी और ये चार रन एक बॉल 16 रन 6 रन इसी के साथ मैच खत्म बाय बाय टट्टा बाय बाय जॉइन इज आउट हां चल तुम्हारा जो कप्तान चोट हुई यार नहीं आउट लास्ट मैं तो कुछ याद नहीं सुन रहा ना ना कुछ याद नहीं क्लोज डिसीजन था मैच समाप्त हो चुका है बहुत अच्छा मैच रहा मतलब ठीक ही रह गया ओ यार मैंने कितना बनाया स्कोर पूछो यार 88 7 छक्के 9 चौके क्या बात है क्या भाई जी अच्छा खेला मतलब बढ़िया मैच खेला आपने बढ़िया जीत गए आपकी पूरी टीम ने ये आपकी जो टीम है और कुछ हाल चल उधर चलते हैं बाकी सामान घर घर चलो बढ़िया तो मैच भी समाप्त हो चुका है यानी कि आज मैच हुए दो मैच हुए आज और हमारी करारी हार हुई है करार यार मत बोल यार भाई सही हुआ मैच जिस हिसाब से आगे बैटिंग हुई ना उस हिसाब से तूने सही खेला पीछे मैं आपको बताता हूँ इस समय पे क्या ये पिच जो है यहाँ पे थोड़ा बॉल कम उठ रही है और यहाँ पे अगर एक बॉल उठी है उसको ध्यान से देखना तभी जजमेंट मतलब जजमेंट के बाद तब लगेंगे छक्के नहीं तो बहुत मुश्किल है हल्की फुल्की जो उठी तो वो गई गई बढ़िया यार बहुत बढ़िया तो छोड़ो यार कसर रहेगी थोड़ा सा वो काम खत्म एक चौका मारा तूने दो चौके इससे मारे भाई प्रमोद घर आ जा यहाँ मजा आ रहा है भाई आ जा हाँ उसे हम मिस कर रहे हैं और बीच में पता एक बॉल के दौरान ऐसा हो गया था ना कि एक खिलाड़ी नहीं दो खिलाड़ी मतलब ऐसे चोटिल हो गए थे दोनों के दोनों ऐसे टकराए ना आपस में कैच पकड़ने के लिए इधर की साइड मैंने मारा था एक तो वो जो टकराए ना तो दोनों जब उठे बोल रहे थे हमारी याददाश्त चलेगी 5 मिनट के लिए सच में ऐसा हो गया था 10 मिनट के लिए खेल रोक दिया गया था जहाँ तक पानी पिलाया और तब सही हो गया था नहीं तो भाई मेरी भी धड़कन तेज हो गई थी मैं बोला भाई मेरी शॉट पे हो गया ये काम खराब जो होना था वो हो गया मैच तो हार गए वो तो लगा है यार हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं अब आएंगे ना फिर आएंगे हाँ कल आएंगे परसों आएंगे जब भी होगा मैच तो फिलहाल चलते हैं आप घर की तरफ तो आज मेरा यहाँ पे मतलब मैदान में आना सफल हुआ है ये जो 100 रुपये आपको दिख रहे हैं ये लंबे लंबे छक्कों पे मिला किसने दिया और ये देखिए कहाँ गए बैंड बाजा वाले ये लाइट मारने वाले ये हो गए तुम्हारा साउंड वाला ओवरऑल बता देता हूँ मैं मैच का कि क्या रहा 143 रन बनाए पहले जो टीम खेल रही थी और हमने बनाए 130 या 131 रन 13 रनों से हमारे तो हाँ मैं सही रहा दोनों तरफ से सही रहा अंत में जीत दूसरी टीम के खेमे में इस चीज का मलाल तो जरूर रहता है लेकिन अभी लीग मैच चल रहे आगे भी अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पर तक रखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना कुछ नहीं तो कम से कम एक मेरी 50 के लिए तो एक लाइक जरूर कर लेना ठीक है जी थैंक यू सो मच और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखें अपना जय हिंद जय उत्तराखंड टिल द एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड थैंक यू सो मच